Hello dear viewers, I am back, Feroz Shah. Welcome to Physics with Feroz Shah. आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है. इससे पहले जिनको पता नहीं है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और पहला वीडियो नहीं देख चुके तो उनको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेजरमेंट का एक लेक्चर ऑलरेडी मैं 2 दिन पहले अपलोड कर चुका हूं. चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 चीजें पढ़ी थी. फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, प्रीफिक्स पढ़ा था, प्लेन एंगल पढ़ा था और सॉलिड एंगल यूनिट पढ़ा था. प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और साथ में यूनिट पढ़ा था. आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम इंशाल्लाह एरर्स और अनसर्टेनिटी, ये दो फैक्टर्स डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और मैं अलॉन्ग विद एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं. सो लेट मी स्टार्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, एरर्स का पहले मैं एरर को डिफाइन करूंगा और एरर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा. एरर किसे कहते हैं? तो आई थिंक सो के 9th और 10th में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी एरर का डेफिनेशन आता है और वही सही इसका डेफिनेशन है. मैं चेंज कैसे कर सकता हूं? व्हाट इज एरर? सो ईच एंड एवरी वन सेज दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड The difference between actual value and measured value, the difference between actual value and measured value is called error. आप सब भी जानते हो कि किसी भी जगह पर अगर हम actual value और measured value में फर्क देखें तो उस फर्क को हम error कहते हैं. Error mean गलती, error के लफ्ज़ी मानी है गलती. But discussion का point ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है. ये है क्या भाई? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने सुना, ज्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू को कहा जाता है. तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल वैल्यू का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो परफेक्ट, एक्यूरेट और एग्जैक्ट वैल्यू होगी. एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में मामूली सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है? न्यूमेरिकल डिफरेंस को एरर बोलते हैं और लॉजिकल डिफरेंस इनका कॉन्सेप्ट है. अगर हम मेजरमेंट कर रहे हो, मैं आपको एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों समझाने वाला हूं. अगर हम मेजरमेंट कर रहे हो तो याद रखिए मेजरमेंट में दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं. मेजरमेंट से ताल्लुक रखने वाले हमेशा दो बंदे होते हैं. एक बंदा एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर होता है और एक बंदा ऑब्जर्वर होता है. एक बंदा एग्जामिनर होता है और एक ऑब्जर्वर होता है. यूं समझें कि एग्जामिनर का जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि एक टीचर एग्जामिनर हो और उसके सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जर्वर्स हैं. तो एक मेजरमेंट में एग्जामिनर भी होता है और ऑब्जर्वर भी होता है. एग्जामिनर जो वैल्यू नोट करता है, चाहे वो वैल्यू परफेक्ट या एग्जैक्ट हो या ना हो, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू. सो एग्जामिनर जो होता है वो जो भी वैल्यू रिकॉर्ड करता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी वैल्यू वो रिकॉर्ड करेगा, रूल के मुताबिक दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल वैल्यू. एंड कीप इट इन योर माइंड, एग्जामिनर की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू समझी जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्ट हो, परफेक्ट हो और 100% एक्यूरेट हो, यह जरूरी नहीं है. लेकिन ऑब्जर्वर फिर जो वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, स्टूडेंट या ऑब्जर्वर जो वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, उस वैल्यू को नाम दिया गया है मेजर्ड वैल्यू. दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू. इसीलिए आप सिंपल कह सकते हो कि एग्जामिनर वैल्यू फॉर अ मेजरमेंट या इन अ मेजरमेंट, द वैल्यू ऑफ एग्जामिनर इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू. एंड इन द सेम मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वर्स आर कॉल्ड, द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वर्स आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यूज. दूसरा डिफरेंस देखिए, एक्चुअल वैल्यू इज एक्चुअली द रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट. ये मेजरमेंट का रेफरेंस होता है और मेजर्ड वैल्यू द टारगेट ऑफ मेजरमेंट होता है. द एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वर्स
इन अ मेजरमेंट होता है। जिस वैल्यू से हम ऑब्जर्वर का एनालिसिस करते हैं कि ये स्टूडेंट लायक है, ये नालायक है, ये वाला गुजारा कर रहा है, तो जिन वैल्यूज से हम ऑब्जर्वर्स की एनालिसिस करते हैं वो मेजर्ड वैल्यूज होते हैं। और जिस वैल्यू से हम मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उस वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। शॉर्टकट आसान लव्स, द वैल्यू ऑफ एग्जामिनर इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू, चाहे वो एग्जैक्ट या परफेक्ट हो या ना हो। एंड द वैल्यू ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वर्स आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यूज, उसे मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनर की वैल्यू और ऑब्जर्वर की वैल्यू में जो भी फर्क आ जाए हम उस फर्क को एरर कहते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने एरर का एक डेफिनेशन किया, डेफिनेशन नंबर वन, ये सब जानते हैं, क्लास 9 से आप पढ़ते हो। मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेशन नंबर 2 भी अपने साथ नोट करें। और डेफिनेशन नंबर 2 ये है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कि एरर इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज रिकॉर्डेड बाय एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर और एग्जामिनर जो वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं उन वैल्यूज में जो डिफरेंस आ जाए इज कॉल्ड एरर, उस डिफरेंस का नाम है एरर। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू भी समझ गए और मेजर्ड वैल्यू भी समझ गए कि एग्जामिनर और ऑब्जर्वर के साथ जो आते हैं, और ये भी समझ गए कि दोनों के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। तो मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो, हाउ कैन यू राइट एरर इक्वेशन? माय डियर स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ एरर विल बी लाइक दैट। आप ऐसा लिख सकते हो कि एरर जो होता है, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हो। और माय डियर स्टूडेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। एरर जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी, क्यों, दोनों तरह क्यों? तो आसान सी बात है, ऑब्जर्वर की वैल्यू एग्जामिनर की वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और ऑब्जर्वर की वैल्यू एग्जामिनर की वैल्यू से कम भी हो सकती है। आप जो मुझे देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो और मैं आपका एग्जामिनर हूं, और चले जनाब ख्यालों में, बातों बातों में इस मार्कर का लेंथ मालूम कर लेते हैं। मैंने मीटर रॉड उठाया, मैंने इसके साथ रखा और मैंने इसका लेंथ नोट किया 20.4 सेंटीमीटर, फर्ज करते हैं। और आपने इस मार्कर का लेंथ नोट किया 20.3 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर एरर है हम दोनों की वैल्यू का डिफरेंस, एग्जामिनर वैल्यू और ऑब्जर्वर वैल्यूज में डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन आपने गौर किया कि एग्जामिनर की वैल्यू 0.1 ज्यादा है और ऑब्जर्वर की वैल्यू 0.1 कम है। बट ये भी हो सकता है कि मैंने इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू रिकॉर्ड की हो 20.3 और आप 20.4 रिकॉर्ड करें, तो आपकी वैल्यू मेरी वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। इसीलिए जहां एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो तो एरर इस इक्वेशन से मालूम होगा, और जहां मेजर वैल्यू ज्यादा हो तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये तो थे माय डियर स्टूडेंट एरर के डेफिनेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं एरर की डिस्कशन में, और वो है टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, आप सबको पता है, क्लास 9 के बुक से आपने पढ़ा है और सीखा है कि देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, आपके बुक ने इसको 2 में लिखा है बट बेसिकली 3 है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स। एक को बोलते हैं पर्सनल एरर, एक को बोलते हैं पर्सनल एरर, एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, और एक को बोलते हैं रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और पर्सनल एरर, तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों एरर है तो तीनों रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ एग्जामिनर्स वैल्यू एंड ऑब्जर्वर्स वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। लेकिन फर्क क्या है? ये कॉज में डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स। पर्सनल एरर, उस एरर को कहा जाता है जिस एरर की वजह
ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर का वीकनेस हो, ऐसा कह सकते हैं। जिस एरर की वजह ऑब्जर्वर का वीकनेस हो, द एरर इन अ मेजरमेंट बिकॉज ऑफ सम वीकनेस ऑफ ऑब्जर्वर, बिकॉज ऑफ एनी वीकनेस ऑफ ऑब्जर्वर। वीकनेस का मतलब है कि बहुत कमजोर हो, दुबला पतला हो बेचारा, तो जितना एक ऑब्जर्वर दुबला पतला होगा उतना ही उसका एरर पर्सनल एरर समझा जाएगा, और जितना माशाल्लाह हट्टा कट्टा मोटा होगा तो उतना ही उसका पर्सनल एरर कम होगा। यही है ना, यही इसका मतलब होगा। हाँ, इसी तरह सर हिलाते रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीकनेस वो नहीं है जो मैंने आपको कहा और आई नाउ आप पहले से समझते हो। ये वीकनेस मीन गलती, फॉल्ट। अगर ऑब्जर्वर गलती करे, उसके सेहत का वीकनेस नहीं है कि वो कमजोर है या मोटा है, तो इसकी बात नहीं कर रहा। ऑब्जर्वर कमजोरियां हो, उसमें खामियां हो, ऑब्जर्वर जो है परफेक्ट ना हो, खुद ऑब्जर्वर परफेक्ट ना हो, वो ऑब्जर्वर सूटेबल ना हो फॉर द मेजरमेंट, वो ऑब्जर्वर क्रेडिटेबल ना हो, उस ऑब्जर्वर का मायार ऊंचा ना हो, तो उसके पास जो एरर आएगा इन वजूहात की वजह से, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑब्जर्वर हो और मैं आपका एग्जामिनर हूं, मैंने आपको एक टास्क दिया कि ये मेजर करो, उसकी एक्चुअली 100 है, या आपको तरीका ही नहीं आता, तो जाहिर ही बात है आपका आंसर गलत आएगा और इस गलती के आप ही वजह हैं, तो दैट्स व्हाई योर एरर विल बी कॉल्ड पर्सनल एरर। या आपको सब कुछ आता है लेकिन आप करना नहीं चाहते, मैं आपसे कहूं ये मेजर करो और आपका दिल कहे ओहो ये भी अभी मेजर करना पड़ेगा, या एक्सपेरिमेंट ये प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। सो टू बेसिक रीजंस, या ऑब्जर्वर को मेथड ही नहीं आता, प्रोसीजर ही मालूम नहीं है, या वो केयरलेस है, वो केयर नहीं कर रहा, ऐसे वजूहात की वजह से जो भी एरर आता है दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। और याद रख के एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं कि पर्सनल एरर के बारे में लोगों का ख्याल है कि पर्सनल एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग एवरेज। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल एरर का कोई भरोसा नहीं होता। यह बात गलत है कि हमेशा एवरेज लेने से पर्सनल एरर कम हो जाएगा। एवरेज लेने से पर्सनल एरर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। मैं मिसाल दूंगा, ये डिस्कशंस हैं, अनसर्टेनिटी की तरफ जाना चाहता हूं, एरर आसान सा टॉपिक है लेकिन कुछ पॉइंट्स देता जाऊं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आपका, आप सबका, देखने वालों का एग्जामिनर, मैंने एक वैल्यू रिकॉर्ड की है जिससे मैंने 100 नोट किया, तो एक्चुअल वैल्यू 100 हो गई। अब आप में से एक ऑब्जर्वर है जो केयरलेस है या उसे कुछ आता ही नहीं है, उसने एक बार अटेम्प्ट किया और उसकी वैल्यू आ गई 150, तो एरर होगा 50 का। अब अगर कोई कहे कि एवरेज लेने से पर्सनल एरर हमेशा कम होगा, तो ठीक है, उस ऑब्जर्वर से कहो कि भाई दूसरी बार रीडिंग ले लो और फिर दोनों का एवरेज लेकर आओ, तो क्या यह जरूरी है कि दूसरी बार रीडिंग 150 से कम होगी और एक्चुअल के करीब होगी? हो सकता है अगली बार वो 200 आंसर ले ले, तो 150 और 200 का, 150 एंड 200 का एवरेज 175 होगा और एरर 50 से 75 में चला गया। हो भी सकता है कि सेकेंड टाइम वो 120 आंसर ले आए और एरर 135 पे आ जाए। तो यह जरूरी नहीं है कि पर्सनल एरर एवरेज लेने से हमेशा कम होगा। पर्सनल एरर एवरेज लेने से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सो द सेंटेंस आई वॉन्ट टू शेयर, द सेंटेंस इज दैट पर्सनल एरर एवरेज कैन इंक्रीज आर डिक्रीज पर्सनल एरर। एवरेज जो होता है वो पर्सनल एरर को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी। ये श्योर नहीं है कि पर्सनल एरर हमेशा एवरेज से मिनिमाइज होगा। सिस्टमेटिक एरर कौन सा होता है, तो ये भी आपकी बचपन की यादें हैं, क्लास 9th की बातें हैं। सिस्टमेटिक एरर इज द एरर इन अ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में ऐसा एरर बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट आर एपरेटस, किसी एपरेटस सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से जो एरर आता है, दैट एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। मिसाल के तौर पर,
हमने इसी मार्कर का डायमीटर मालूम करना है। मैं इसका डायमीटर मालूम कर रहा हूं वैल्यू वर्नियर कैलिपर से, लेकिन मैंने बेहतरीन वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया, उसमें जीरो एरर भी नहीं था, फॉल्ट भी नहीं था, डस्ट भी नहीं था, रफ भी नहीं था, स्केल भी अच्छा खासा कैलिब्रेटेड था, न्यू शाइनिंग स्केल था, और मैंने वैल्यू ले ली। और मैं आपको एक खराब बोसीदा और एंशियंट जमाने का 30-40 साल पहले का कोई वर्नियर कैलिपर कार्टन से निकाल कर दे दूं, जिसको जिसके जांच खोलने के लिए भी आपको 2-3 बंदों की जरूरत पड़े, और मैं कहूं शाबाश इस मार्कर का डायमीटर मालूम करो, और आप मुझसे भी ज्यादा कीन ऑब्जर्वर हो, बेहतरीन ऑब्जर्वर हो, फर्ज करो आपको सब कुछ ठीक ठाक आता हो, आप केयर भी कर रहे हो, इंटरेस्ट भी ले रहे हो, लेकिन आप कुछ भी करो लेकिन इतने रफ फजूल बेकार इंस्ट्रूमेंट से आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। सो दिस टाइम द एरर इज बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर जो है वो बाज़ोकात हम इसको इसका कुछ इलाज नहीं कर सकते, और बाज़ोकात हम प्रॉपर मेथड यूज करके इसको उमेट या कम कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एवरेज से इस पर कोई असर नहीं होगा, सिस्टमैटिक एरर पर एवरेज का कुछ असर नहीं हो सकता। बाज़ोकात समटाइम्स ये फिक्स्ड होता है और समटाइम्स वी कैन ओमिट, कुछ जगहों पर कुछ सिचुएशन में हम इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जो बात करूंगा एग्जांपल दूंगा, दलील के साथ बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो हम एक मीटर रॉड से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, और उस मीटर रॉड पर स्केल बिल्कुल मिटा हुआ है, 3-4-8-10 मिलीमीटर के बाद 2-3 मिलीमीटर गायब है, फिर 2-3-4 मिलीमीटर मौजूद है, फिर 2-3 मिलीमीटर गायब है, तो अब आप इसके साथ करोगे क्या? कुछ ही नहीं कर सकते हो। आप उस मीटर रॉड से रीडिंग लोगे तो गलत ही आएगा, उसमें 19-20 का फर्क जरूर आएगा, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। आप जो चाहो करो लेकिन एरर आप ओमिट नहीं कर सकते हो। इस दौरान इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट की वजह से जो सिस्टमैटिक एरर आ रहा है, वो सिस्टमैटिक एरर हम कम नहीं कर सकते, ना ओमिट कर सकते हैं। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की तरफ। अगर वर्नियर कैलिपर में खराबी है, आप उनके जांच क्लोज करें और 0-0 से कॉन्साइड ना हो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो समझ जाना इसमें एरर है, लेकिन वो एरर हम मालूम कर सकते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव ये भी मालूम कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू का भी फार्मूला है कि वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, हर इंस्ट्रूमेंट का होता है फार्मूला इस तरह जीरो एरर मालूम करने का। तो अगर वो जीरो एरर पॉजिटिव है और फर्ज करो 0.1 है, तो इट मींस कि जो भी हम उससे जवाब निकाल लें तो आखिर में इस 0.1 को सेपरेट करें, आपका सिस्टमेटिक एरर खत्म। कहना यह चाहता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, कि सिस्टमैटिक एरर बाज़ोकात फिक्स्ड होता है और हम ऑब्जर्वर्स का उस पर कोई बस नहीं चलता, लेकिन सिस्टमैटिक एरर बाज़ोकात हम आराम से ओमिट कर सकते हैं, एवरेज का इस पर कोई असर नहीं होता, याद रखिए। फर्दर मोर रैंडम एरर जो होता है वो क्या है, सो मैं पहले वाले को रिमूव कर लेता हूं और फिर आपको रैंडम एरर का डिटेल बताने वाला हूं। जो रैंडम एरर है डियर स्टूडेंट्स, देयर इज द एरर बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एनवायरमेंट। आप ऐसा कह सकते हो कि रैंडम एरर क्या है, यू कैन से डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा कह सकते हो दैट द एरर बिकॉज ऑफ changes in environmental conditions, में जो चेंज आए उसकी वजह से एग्जामिनर और ऑब्जर्वर की वैल्यू में जो फर्क आता है, दैट फर्क इज कॉल्ड रैंडम एरर। एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। फर्ज करो हमारे स्टूडेंट्स, ये एक सिलेंडर है और ये इस सिलेंडर मोहतरम का पिस्टन है, और इस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन गैस की सप्लाई होती है, ये एक सिलेंडर है और ये इसमें ऑक्सीजन गैस है। अचानक मेरी सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली फर्ज करते हैं, और जनाब सुबह का वक्त है और सुबह 4 AM
मेरी आंख खुली, मैंने कहा चलो इसके अंदर प्रेशर मालूम कर लेते हैं। आज कॉलेज जाकर स्टूडेंट को टास्क दे देता हूं कि वो भी प्रेशर मालूम करे, देखते हैं हम दोनों के वैल्यूज में डिफरेंस क्या आता है। तो सुबह 4 AM मैंने प्रेशर मालूम किया, तो लेट मी कंसिडर द प्रेशर बिकम 2 atmosphere, अब 10 to 2 atmosphere, हमें 2 atmosphere का प्रेशर मिला इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर का, इसकी वैल्यू मिली। अब मैं इस सिलेंडर को कॉलेज ले आया, वही इंस्ट्रूमेंट जिससे मैंने प्रेशर मालूम किया, वही सिलेंडर, सब कुछ वही है। लेकिन कॉलेज में मेरे कुछ क्लासेस हो गए वगैरह वगैरह, दोपहर के 2 बज गए। अब दोपहर के 2 बजे 2 PM मैं आपसे कहता हूं कि शाबाश इस सिलेंडर में मौजूद प्रेशर की वैल्यू मालूम करो। उम्मीद है आप समझ गए कि मैं आपका ऑब्जर्व, मैं आपका एग्जामिनर, तो ये मेरी वैल्यू जो है वो आप सब के लिए एक्चुअल वैल्यू का दर्जा रखती है। और मैं आप सब ऑब्जर्वर से कहूं कॉलेज में कि शाबाश इसका प्रेशर मालूम करो। अब आप वही बात कि आपने पर्सनल एरर नाम की कोई चीज नहीं है, आपने पर्सनल एरर नहीं है, सिस्टमैटिक एरर भी नहीं है, जिस सिस्टम से इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजर किया वही आपको भी दिया, लेकिन मसला एनवायरमेंट में आ गया है। आप जब भी मालूम करोगे यकीन करें कि आपका प्रेशर जो है वो 2 atmosphere से ज्यादा आएगा। अगर आप एक्यूरेट परफेक्ट तरीके से मेजर करोगे आपका आंसर 2 atmosphere से ज्यादा आएगा। तो आपका आंसर ज्यादा मेरा कम, तो इट मीन देयर इज सम एरर, एरर तो जीरो नहीं है, एरर तो है। अब इस एरर की वजह क्या है, क्या ये आपका केयरलेसनेस है, नहीं, क्या आपको मैटर नहीं आता, नहीं, पर्सनल तो नहीं है, क्या जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया उसमें खराबी थी, नहीं, तो सिस्टमेटिक भी नहीं है, वजह क्या है भाई ये एरर आ क्यों रहा है। तो आप कहेंगे सर हम जानते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जिस टाइम जिस सिचुएशन में टेम्परेचर ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा। सुबह के 4 बजे टेम्परेचर बहुत कम होता है और दोपहर के 2 बजे 2 PM पे टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली हमें प्रेशर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो आपके और हमारे वैल्यू में डिफरेंस आएगा, एरर तो आएगा, डिफरेंस एरर बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एरर की वजह एनवायरमेंटल चेंज हुआ, टेम्परेचर इज एनवायरमेंटल फैक्टर इस केस में। सो इस तरह के एरर्स जिसकी वजह ना बंदाए मोहतरम हो और ना सिस्टम हो, एनवायरमेंटल कुछ चेंजेस की वजह से चेंज आ रहा हो एग्जामिनर ऑब्जर्वर की वैल्यूज, देन द एरर इज नॉमिनेटेड एज रैंडम एरर। रैंडम एरर अगर हम सोच समझ कर एवरेज ले लें, सो वी कैन मिनिमाइज रैंडम एरर बाय टेकिंग एवरेज। कैसे, क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बजे कहा कि प्रेशर मालूम करो, अगर आप 2 बजे भी प्रेशर मालूम करो और शाम के वक्त भी प्रेशर मालूम करो और रात के 10-11 बजे भी प्रेशर मालूम करो, आप इन तीनों वैल्यूज का एवरेज लेकर मेरे पास आओगे तो यकीन करें एरर कम हो गया होगा, क्योंकि शाम वाली रात वाला टेम्परेचर सुबह वाले टेम्परेचर से क्लोज होता है, शाम वाला टेम्परेचर और क्लोज होता है। तो दोपहर की सिर्फ वैल्यू बताओगे, एवरेज नहीं लोगे, तो आंसर में ज्यादा फर्क होगा, लेकिन शाम और रात वाली वैल्यू भी उसके साथ एवरेज में शामिल करो तो एरर कम हो जाएगा। सो आपने क्या सीखा कि पर्सनल एरर एवरेज लेने से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। सिस्टमैटिक एरर पर एवरेज का कोई असर नहीं होता, सिस्टमैटिक एरर पर एवरेज का कोई असर नहीं होता, और रैंडम एरर प्रॉपर प्लानिंग से हम एवरेज लेने से मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अनसर्टेनिटी पे बात करूंगा, और अनसर्टेनिटी पे जो बातें करने वाला हूं ये था एरर, हमने एरर की धज्जियां उड़ा दी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी, और आपके साथ शेयर करने वाला हूं अनसर्टेनिटी का ए से जी तक के सारे कॉन्सेप्ट और सारे आइडिया। व्हाट इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या है, ये भी याद रखिएगा कि अनसर्टेनिटी का पूरा नाम है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो आप चाहे अनसर्टेनिटी कहें, चाहे आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहें, ये आपकी अपनी मर्जी है, अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी जो है इसके बारे में मैं 3 कमेंट्स स्टार्ट में दे रहा हूं, और तीनों कमेंट्स मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा एक डायग्राम से। पहले 3 कमेंट्स अबाउट अनसर्टेनिटी क्या है, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम पॉसिबल, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, इज कॉल्ड, आप खुद लिख लें,
द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये इसका मतलब क्या है वो समझाना चाहिए। फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट, पहले मतलब समझाता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। फर्ज करो डियर स्टूडेंट्स, एक मेजरमेंट है, हम एग्जामिनर और ऑब्जर्वर ने मिलकर एक मेजरमेंट करनी है, और मैंने आपसे कहा ना कि हर मेजरमेंट का उसूल है कि पहले एग्जामिनर अपने पास वैल्यू रिकॉर्ड करेगा और एग्जामिनर की वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू। तो फर्ज करो एक एग्जामिनर ने एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड की है 100। एग्जामिनर एग्जामिनर बार बार लिखना ठीक नहीं है, एक्चुअल वैल्यू आपके बाद कहूंगा। सो मेजरमेंट की एक्चुअल वैल्यू 100 है। अच्छा, एक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर नंबर वन, इसने वैल्यू रिकॉर्ड की है 80। फर्ज करो ऑब्जर्वर नंबर टू, इस मोहतरम ने वैल्यू रिकॉर्ड की है 100, और ऑब्जर्वर नंबर थ्री ने वैल्यू रिकॉर्ड की है 60। इस तरह जितने ऑब्जर्वर्स हो सारे ऑब्जर्वर ने ये मेजरमेंट किया और सब ने वैल्यूज हमें बता दी। अब मैं एरर देखूंगा। सो इस ऑब्जर्वर का जो एरर है, द एरर इन दिस इन द रीडिंग ऑफ दिस ऑब्जर्वर विल बी 80 और 100 में कितना फर्क है, 100 में और 80 में 20। इसका एरर 20 है, मानते हैं और जानते हैं। ऑब्जर्वर नंबर टू 100 और 100 मैच कर गए, तो इस ऑब्जर्वर मोहतरम का एरर होगा 0, और 100 और 60 सबसे ज्यादा दूर है, इस ऑब्जर्वर का एरर होगा 40। इसी तरह सेम सिमिलरली में लिख रहा हूं, 100 ऑब्जर्वर हो, 200 ऑब्जर्वर हो, सबके रीडिंग्स का एरर मालूम करो, और इन एरर्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। यानी ये 20 जो है ये एरर है लेकिन ये अनसर्टेनिटी नहीं है, ये 0 जो है ये एरर है लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं है। तो टॉप से बॉटम तक जितने भी ऑब्जर्वर्स ने रीडिंग ली हो, उन सारे ऑब्जर्वर्स में जो सबसे ज्यादा एरर हो दैट एरर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो ये सबसे ज्यादा एरर है, ये एरर चूंकि मैक्सिमम है और इसी मैक्सिमम एरर का मेजरमेंट में नाम रखा गया है अनसर्टेनिटी, आप इसको अनसर्टेनिटी कहोगे। अच्छा, इतना तो समझ गए पॉइंट नंबर वन के बाद के, सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में EU लिख रहा हूं, आप सिर्फ अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हो, इज ऑलवेज इक्वल टू द मैक्सिमम एरर। ये तो इसका मतलब था, ये मैक्सिमम एरर के बराबर होता है, वो एरर जिससे ज्यादा एरर पॉसिबल ही ना हो, मुमकिन ही ना हो, वो एरर अनसर्टेनिटी कहलाता है। ठीक है, अब एक्सप्लेन करूंगा एक और एग्जांपल से, रियल एग्जांपल से आपको दूंगा। ये तो मैंने आपको मतलब बताया था, डेफिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी का मैंने आपको मतलब बताया। नाउ लेट मी एंटरटेन विद एन एग्जांपल। फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है एक आयरन रॉड, ये एक आयरन रॉड है, और मैं आप लोगों के लिए बतौर एग्जामिनर इसका लेंथ मेजर कर रहा हूं, और मैंने इस रॉड के साथ मीटर रॉड रख दिया। ये रेड लाइन इज अ मीटर रॉड, ये 0 इस तरह मिलीमीटर्स है, ये 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर्स है, ये और ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे जाएगा भाई पूरा स्केल, और सही स्केल कौन बना सकता है, नामुमकिन है मेरे लिए। तो मैं इधर ले लूंगा 18 सेंटीमीटर, और फर्जी बात कर रहा हूं कि फर्ज करो ये रॉड इत्तेफाकन 18.1 और 18.2 के दरमियान है। मैंने बतौर एग्जामिनर देखा, आप सब मेरे ऑब्जर्वर में, आपका एग्जामिनर, मैंने इस रॉड का लेंथ मेजर करना है, और मैंने देखा कि यह रॉड जो है वो 18.1 और 18.2 के दरमियान आ रहा है, 18.1 और 18.2 के दरमियान आ रहा है। अब मैं मजबूर हूं, दरमियान में तो स्केल नहीं है, और जहां स्केल या डिवीजन नहीं होता हम अपनी तरफ से रीडिंग नहीं ले सकते, हमने हमेशा स्केल तक महदूद होकर आंसर लेना है, रीडिंग ऑप्ट करना है। तो अब मैं मजबूर हूं, मैं एग्जामिनर हूं, और मैं कहूंगा 18.1 ले सकता हूं या 18.2, अब मेरी मर्जी है जो चाहे ले लूं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपने गौर किया थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एग्जामिनर की एक्चुअल वैल्यू जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो, अब खुदा जानता है एग्जैक्ट लेंथ तो यहां तक है, मेरी उंगली तक देखे यहां तक है, लेकिन यहां रीडिंग नहीं है, स्केल नहीं है, तो मैं एग्जामिनर या 18.2 लूंगा या 18.1
1 लूंगा। और आपने देखा कि एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कभी होगी भी, कभी हो भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्ट हो। एनी हाउ, समझाने के लिए मैं इस एग्जाम्पल से कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैंने एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड कर ली और वो है 18.1 सेंटीमीटर। फर्ज करो मेरी मर्जी है, बस 18.1 और 2 के दरमियान आया है, अब मैं जो चाहूं ले सकता हूं, एग्जामिनर हूं, मैंने ये वैल्यू अपने पास नोट कर ली, आप लोगों को नहीं पता। अब मैं क्लास में आया, कॉलेज की क्लास में आया, और कॉलेज की उस क्लास में मैं इस मीटर रॉड और इस आयरन रॉड को आप सबके हवाले कर रहा हूं, एक एक को दे रहा हूं कि शाबाश, लेंथ मालूम करके बताओ मुझे आंसर। फैसला आप करो और मुझे सुनते जाओ। जब आप मेरी तरह मीटर रॉड इसके साथ रखोगे तो आपके लिए भी ये रॉड 18.1 और 2 के दरमियान आएगा, और जिस तरह मुझ पर मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी, मुझ पर पाबंदी थी कि या मैं 18.1 ले सकता हूं या 2, सो आप में से हर कोई का, हर एक का आंसर या 18.1 होगा और या 18.2। तो मैं स्टूडेंट्स 1, 2, 3 लिख रहा हूं। फर्ज करो इधर मैं स्टूडेंट्स ले रहा हूं, और स्टूडेंट्स को मैंने कहा, ऑब्जर्वर्स को, स्टूडेंट वन ने रीडिंग ले ली कि सर 18.1 सेंटीमीटर। उसी वक्त जब मैंने स्टूडेंट टू से पूछा तो उसने कहा सर 18.2 सेंटीमीटर। इसी तरह स्टूडेंट थ्री से पूछता हूं, उसने कहा सर 18.2 सेंटीमीटर। फिर स्टूडेंट फोर से पूछता हूं, वो कहता है सर 18.1 सेंटीमीटर। हत्ता के स्टूडेंट्स तो क्या, एक क्लास के स्टूडेंट तो क्या, अपने पूरे कॉलेज के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बुलाएं, हर एक से रीडिंग ले लें, तो हर एक का आंसर या 18.1 होगा या 18.2। मेजरमेंट कंप्लीट हो गए, फर्ज करो ऑब्जर्वर खत्म, ऑब्जर्वर खत्म शुद्ध, ठीक है। ये लफ्ज एक बंदे ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बोला था, खत्म शुद्ध, और तब से इस लफ्ज से नफरत हो गई है, लेकिन खैर चले देखते हैं। खत्म शुद्ध, ऑब्जर्वर खत्म हो गए, तादाद खत्म हो गई, ऑब्जर्वर को अल्लाह सलामत रखे। सो 18.1, 18.2, 18.2, 18.1, अगर हम हजारों रीडिंग्स भी ले लें तो उनमें से या 18.1 होगा और या 18.2 होगा। अब हो सकता है आप में से कोई ये कहे, ये सोचे, आलमजेब हो, आप में एक आलमजेब हो, और वो सोच रहा हो कि सर क्या बात कर रहे हैं, हर कोई 18.1 लेगा, हर कोई 18.2 लेगा। हो सकता है कि हम में से कोई नूरजेब हो और वो कहे कि मैं 18.7 ले रहा हूं, तो रीडिंग तो 18.7 भी आ सकता है, रीडिंग तो 18.9 भी आ सकता है, फिर तो कोई 100 सेंटीमीटर भी ले इसको, फिर तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट, अगर किसी ऑब्जर्वर ने 18.1 से कम ले लिया या 18.2 से ज्यादा ले लिया तो उसने मेजरमेंट नहीं किया, उसने मजाक किया, उसने मेजरमेंट नहीं किया, मजाक किया। एक होता है मेजरमेंट, एक होता है मेजरमेंट, और एक होता है मजाक। बेशक दोनों एम से शुरू होते हैं, मेजरमेंट भी एम से शुरू होता है, मजाक भी एम से शुरू होता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों एम से शुरू हो इसका यह मतलब नहीं दोनों सेम है। मजाक जो है वो मेजरमेंट से बिल्कुल अलग है, और फिलहाल हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ये अलग बात, मजाक मजाक में बात कर रहे हैं। एनी हाउ डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट के रूल्स है, मजाक के भी रूल्स होते हैं, लेकिन मेजरमेंट और मजाक के रूल्स में फर्क होता है। मेजरमेंट तब होगा जब वो इस लिमिटेशन के अंदर हो कि जो रॉड, सुन रहे हैं आप, जो रॉड 18.2 तक नहीं पहुंचा तो 18.2 से ज्यादा लेना हराम है, ममनू है, प्रोहिबिटेड है, कंस्ट्रेंट लगा है, रूल्स बनाए हैं कि आप 18.2 से आगे नहीं जा सकते, और 18.1 को जो क्रॉस कर चुका है तो आप पर 18.1 से इस तरफ रीडिंग लेने के दरवाजे भी बंद हैं। दीज आर द रूल्स ऑफ मेजरमेंट। लिहाजा यहां पर अलाउड रीडिंग्स जो हैं वो या 18.1 है और या 18.2 है। अगर कोई स्टूडेंट अपने पास रीडिंग ले आया 18.7 सेंटीमीटर, यानी 18.3 से ज्यादा, तो उसका रीडिंग मजाक में जाएगा, लेकिन उसका रीडिंग मेजरमेंट में नहीं जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट 18.1 के बजाय 18.0 ले आए, फर्ज करो
18.0 तो वो तो 1 से कम है, और 1 से कम तो ये राड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 1 को क्रॉस कर चुका है, तो उसका रीडिंग भी मेजरमेंट में नहीं काउंट होगा, मजाक में काउंट होगा। सो मजाक बंद कर देते हैं और मेजरमेंट की कहानियों में वापस आ जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप गौर कीजिएगा, सारे ऑब्जर्वर्स ने रीडिंग ले ली, अब 18.1, 18.2, 18.2, 18.1 वगैरह वगैरह 100 रीडिंग, 2000 रीडिंग एरर की तरफ आते हैं। इन सारे एरर्स में जब मैं एरर मालूम करके दूंगा, एरर तो मैं मालूम करूंगा, ये पूरा मेजरमेंट है, एक्चुअल वैल्यू और सारे मेजर्ड वैल्यू मालूम करना, द प्रोसेस, द फुल प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट से फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू मालूम करना और मेजर्ड वैल्यू मालूम करना, द फुल प्राइस कॉल्ड मेजरमेंट। इस मेजरमेंट में मैं एरर देखूंगा तो 18.1 और 18.1 में डिफरेंस क्या है, जीरो, तो मैं कहूंगा कि एक एरर जीरो, एरर ऑफ वन। अब मैं एरर ऑफ टू मालूम करूंगा तो 18.2 और 18.1 तो एरर इज 0.1 सेंटीमीटर। फिर एरर ऑफ थ्री देखूंगा तो एरर ऑफ थ्री जो है 18.2 और 18.1 इज अगेन 0.1 सेंटीमीटर। फिर एरर ऑफ फोर मालूम करूंगा, एरर ऑफ फोर तो वो होगा 0 सेंटीमीटर। अगर जितने भी रीडिंग्स हो सबका एरर या जीरो आएगा या 0.1 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो इस मेजरमेंट का मिनिमम एरर है, इट इज द मिनिमम एरर, जीरो इस मेजरमेंट का मिनिमम एरर है, जीरो इस मेजरमेंट का मिनिमम एरर है डियर स्टूडेंट्स। और 0.1 जो है, 0.1 इस रीडिंग, इस मेजरमेंट का मैक्सिमम एरर है। एक होता है मिनिमम एरर और एक होता है मैक्सिमम एरर। तो इसी तरह आप सारे प्रोसेस को ऑपरेट करें और आप देखो मेजरमेंट कंप्लीट। अब मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो आपको मिनिमम मैक्सिमम एरर मिलता रहेगा। इन सारे एरर्स को एरर्स बोलते हैं, लेकिन इनमें जो मैक्सिमम एरर है, इस मैक्सिमम एरर का नाम रखा गया है अनसर्टेनिटी। इस मैक्सिमम एरर का नाम रखा गया है अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो इसलिए मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजरमेंट। इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि फिलहाल जो एग्जांपल हमने लिया उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। एक पॉइंट तो मैंने आपको डेफिनेशन का मतलब अलोंग विद एग्जांपल क्लियर कराया। अब आते हैं, मैंने कहा दूसरा पॉइंट आपको दूंगा, पॉइंट नंबर टू अनसर्टेनिटी में आपको पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूं। पॉइंट वन से मैंने शुरू किया, लास्ट पॉइंट तक जाऊंगा, सारे पॉइंट्स आपको अनसर्टेनिटी के क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो पॉइंट नंबर टू जो है मेरा, पॉइंट नंबर टू है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी, यानी मैक्सिमम एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर आएगी। तो आप फौरन एतराज करें, जहां बैठे हो वहां एक लंबी और ऊंची आवाज से चीख लगाएं कि सर क्या वाकई ऐसा होता है, क्या वाकई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो अभी सामने एग्जांपल मौजूद है तो फायदा उठा लेते हैं, मैं प्रूफ कर लेता हूं इस वक्त। यस, आपने कहा क्या वाकई, मैं कहूंगा यस बिकॉज आई कैन प्रूव इट इन वन मिनट। फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट हमने, जो मेजरमेंट इधर डिस्कस किया, ये जो आपके सामने बना है इसको गौर से देखिएगा और मुझे बताएं कि इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी आई है। तो आप कहेंगे सर 0.1 सेंटीमीटर। ये देखो, हमने प्रूफ किया कि मैक्सिमम एरर 0.1 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम एरर को हम अनसर्टेनिटी ही बोलते हैं, उम्मीद है समझ गए। लेकिन हमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, तो सबको पता है कि ये जो स्केल मैंने बनाया है ये स्केल स्टॉपवॉच का तो नहीं होता, ये वर्नियर कैलिपर का नहीं होता, ये मीटर राड का होता है। सो मीटर राड का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट मीटर राड है और दुनिया जानती है कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर राड इज आल्सो 0.1 सेंटीमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, उसका लीस्ट काउंट कितना है, तो आप कहें सर 0.1 सेंटीमीटर, मैं इसको 2 कह देता हूं।
हमारे पास जो अनसर्टिनिटी आई, जो मैक्सिमम एरर आया वो 0.1 है, और जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया उसका डिस्काउंट भी 0.1 है। सो कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयर वन एंड टू, वन एंड टू को कंपेयर कीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स। कंपेयर करने का मतलब है कि इनके राइट साइड सेम है, सेम है या नहीं है, और जिनके राइट साइड सेम हो उनके लेफ्ट साइड भी सेम होते हैं। तो कंपेरिजन इंप्लाइज दैट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू लीस्ट काउंट। ये था पॉइंट नंबर टू। आपने दो बातें सीखी, अनसर्टेनिटी में मैंने आपको दो पॉइंट्स डिटेल से समझा दिए, डिस्कस कर दिए। वो दो पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये है कि अनसर्टेनिटी इज नथिंग, इट इज द सेकेंड नेम ऑफ मैक्सिमम एरर। एक मेजरमेंट में जो सबसे ज्यादा एरर पॉसिबल होता है उस सबसे ज्यादा एरर का दूसरा नाम अनसर्टेनिटी रखा है। और दूसरी बात यह है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी हमेशा लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आप पॉइंट वन और पॉइंट टू से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हम एक क्वेश्चन शेयर करते हैं, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स पॉइंट नंबर थ्री ऑफ अनसर्टेनिटी। वी आर डीलिंग अनसर्टेनिटी। फॉर यू पीपल आई हैव अ क्वेश्चन, एंड इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है कि विच which instrument will provide greater uncertainty in measurement। इनमें से कौन सा instrument greater uncertainty measurement में provide करेगा? ऑप्शन ए मीटर रॉड, ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर, और ऑप्शन सी स्क्रू गेज, और ऑप्शन डी ऑल प्रोवाइड्स सेम अनसर्टेनिटी। शाबाश, कैन यू कंक्लूड? आप डिटेक्ट कर सकते हो सॉल्यूशन का फैक्टर क्या है? तो आप कहेंगे सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। ये तो अभी अभी हमने पढ़ लिया, ये अभी अभी हमने पढ़ लिया। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा वो इंस्ट्रूमेंट अपने मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी भी ज्यादा प्रोवाइड करेगा, और जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी अनसर्टेनिटी भी कम होगी। अब आप जानते हैं कि द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज ग्रेटर देन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड इज ग्रेटर देन द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो इसकी अनसर्टेनिटी सबसे कम हो सकती है, सबसे ज्यादा नहीं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मीटर रॉड से कम है, लिहाजा इसकी अनसर्टेनिटी मीटर रॉड की अनसर्टेनिटी से कम होगी, और मीटर रॉड ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन तीन इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट मीटर रॉड का है, और जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा है उसके मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी भी सबसे ज्यादा होती है। ये था क्वेश्चन नंबर वन। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, और पॉइंट नंबर थ्री, हम अनसर्टेनिटी को डील कर रहे हैं, और अनसर्टेनिटी का पॉइंट नंबर थ्री, अनसर्टेनिटी का पॉइंट नंबर थ्री ये है, देयर इज अ मेथड टू फाइंड अनसर्टेनिटी बाय यूजिंग रीडिंग। रीडिंग को देखकर अनसर्टेनिटी मालूम करने का एक मेथड है। रीडिंग को देखो, इंस्ट्रूमेंट को ना देखो। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बता दूं और कहूं अनसर्टेनिटी मेरी कितनी होगी, तो आप इंस्ट्रूमेंट पर लीस्ट काउंट देखो और मुझे बताओ कि सर जितना लीस्ट काउंट है उतनी अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट ना बताऊं, ना इंस्ट्रूमेंट बताऊं, ना आपको प्रोवाइड करूं, ना इंफॉर्मेशन दूं आपको ऐसा, और मैं कहूं ये मेरा रीडिंग है, बताओ इस रीडिंग में अनसर्टेनिटी कितनी है, तो विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑनली हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ रीडिंग, हाउ वी कैन फाइंड अनसर्टेनिटी? देयर इज अ मेथड, एंड द मेथड इज कंपोज्ड ऑफ थ्री स्टेप्स।
द मैथड इज कंपोज ऑफ थ्री स्टेप्स, वो मैथड थ्री स्टेप्स पे मुश्तमिल है। इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है, वो पहला स्टेप है कि टेक पॉइंट फॉर पॉइंट, पॉइंट की जगह पॉइंट ले लें। जो सेकेंड स्टेप है डियर स्टूडेंट्स वो है कि टेक वन फॉर लास्ट डिजिट, जो आखिरी डिजिट हो उसके लिए वन ले लें। और द थर्ड वन जो तीसरा स्टेप है वो है डियर स्टूडेंट्स के टेक जीरोस फॉर डिजिट्स इन बिटवीन, जो पॉइंट और लास्ट के दरमियान डिजिट्स हैं उनकी जगह जीरो ले लें। ये लिखने में पढ़ने में मुश्किल है, अभी एक एग्जांपल दूंगा आप समझ जाओगे। फर्ज कीजिए मैं आपको एक रीडिंग दे रहा हूं, मैंने एक रीडिंग रिकॉर्ड किया एंड द रीडिंग इज एक रीडिंग मैंने रिकॉर्ड किया, और डियर स्टूडेंट्स जो रीडिंग मैंने रिकॉर्ड किया वो है 1, 2, 3.4, 8, 9, 6। ये एक रीडिंग है और मैं कहूं मुझे अनसर्टेनिटी बताओ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो आप कहें सर इंस्ट्रूमेंट बता दें हमारा काम आसान कर दें। अगर हमें आपको इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा तो आप लिस्ट काउंट देखोगे, लिस्ट काउंट जितना होगा उतनी अनसर्टेनिटी होगी। मैं कहूंगा नहीं भाई, इंस्ट्रूमेंट नहीं बता रहा आपको, लिस्ट काउंट भी नहीं बता रहा, इंस्ट्रूमेंट भी, फिर भी अनसर्टेनिटी बताओ। तो इस केस में आप ये मेथड यूज करोगे, और मेथड ये है कि इस रीडिंग की अनसर्टेनिटी बराबर होगी, इफ यू वॉन्ट टू टेक द अनसर्टेनिटी इन दिस रीडिंग, तो तरीकाकार ये है फर्स्ट स्टेप के टेक पॉइंट फॉर पॉइंट, आप रीडिंग में जो पॉइंट है उसकी जगह पॉइंट ले लें। तो देखो पॉइंट की जगह पॉइंट ले लिया गया, पॉइंट की जगह पॉइंट लेने का मतलब फर्स्ट स्टेप ऑक्यूपाइड, फर्स्ट स्टेप अप्रूव्ड, ओके। फिर कहा गया है सेकंड स्टेप में कि जो लास्ट डिजिट है उसकी जगह वन ले लें, लास्ट डिजिट की जगह वन ले लें। रीडिंग में ये लास्ट डिजिट जो भी हो, जीरो हो, वन हो, टू हो, जो भी हो, लेकिन इसकी जगह आपने अनसर्टेनिटी में वन लेना है। और आखिरी स्टेप ये है, सेकंड स्टेप भी फुलफिल, थर्ड टेक जीरोस फॉर द डिजिट्स इन बिटवीन, अब डेसिमल पॉइंट और लास्ट डिजिट के दरमियान जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो ले लें। तो इन डिजिट्स की जगह ये जो नजर आ रहे हैं एक थ्री डिजिट्स है, तो हमें थ्री जीरोस लेने होंगे, और पॉइंट से इस तरफ जीरो तो रस्मन एंड रिवाजन लोग यूज करते हैं। इट मींस कि अगर ये रीडिंग हो तो ये इसकी अनसर्टेनिटी होगी, ये रीडिंग हो तो ये उस रीडिंग की अनसर्टेनिटी कहलाएगी, ये अनसर्टेनिटी होगी। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो वेरिफिकेशन के, क्या वाकई सर ये रूल हमें सही अनसर्टेनिटी देता है, सो यू कैन वेरीफाई स्टूडेंट्स। कैसे, थोड़ी देर पहले अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल था हमारा, हमारे पास जो प्रीवियस एग्जाम्पल था डियर स्टूडेंट्स, आपने मुलायजा किया वो आयरन रॉड और मीटर रॉड वाला आपके पास लिखा हुआ होगा, मैंने तो मिटा दिया। उसमें आप देखें तो जितने भी ऑब्जर्वर्स आपने यूज किए मेजरमेंट में, या आपने उनको अलाउ किया कि मेजरमेंट करें, तो उनके जो रीडिंग्स आ रहे थे तो वो 18.1 आ रहा था या 18.2 आ रहा था, इसके अलावा तो अलाउ नहीं रहना, मजाक और मेजरमेंट वाली बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने की, 18.1 और 18.2 ही रीडिंग था। जरा अनसर्टेनिटी तो मालूम करो इस मेथड से, तो मेथड के मुताबिक देखो अनसर्टेनिटी क्या होगी, पॉइंट की जगह पॉइंट और लास्ट की जगह वन, इस तरफ जीरो, इससे मालूम करो तो पॉइंट की जगह पॉइंट और लास्ट की जगह वन और जीरो, तो देखो अनसर्टेनिटी 0.1 आ रही है, यानी मेथड से अनसर्टेनिटी वही आ रही है जो हमने मीटर रॉड से बाकायदा प्रूफ की कि 0.1 है। इसका मतलब है कि मेथड बिल्कुल करेक्ट है और ये हमें सही आंसर देता है। मैंने आपको थ्री पॉइंट्स बताए अनसर्टेनिटी के, मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, क्वेश्चन नंबर टू, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर टू, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर टू है मेरा, क्वेश्चन नंबर टू है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज इन 20.000 एंड 10.0, इन दोनों के अनसर्टेनिटीज का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन ए 1:1,
ऑप्शन बी दैट इज 1:10 और ऑप्शन सी 10:1 और एहतियातन ले रहा हूं नान क्योंकि जहन में तो आ रहा है मैंने सॉल्व किया जल्दी जल्दी लेकिन शायद गलत हूं नान सेफ रोल रखते हैं. व्हाट विल बी द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज इन दिस. सबसे पहले मैंने पहले भी कई लेक्चर यहां से कहा कि जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो तो जो ट्रेंड हो उससे स्टार्ट करें. रेशो मांगा है तो फौरन रेशो बनाया करें. ये लो रेशो, हमें रेशो प्रोवाइड करना है. फिर ये देखो कि रेशो के ऊपर क्या होगा नीचे. तो ऊपर जो है वो अनसर्टेनिटी है. क्या है? अनसर्टेनिटी है. और किसकी अनसर्टेनिटी है? रीडिंग की 20.00. ऊपर अनसर्टेनिटी ऑफ 20.00 है और नीचे भी अनसर्टेनिटी है लेकिन इट विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ 10.0. तो इन दोनों का रेशो हमें प्रोवाइड करना है. तो मेरे ख्याल में आपको आना चाहिए. अनसर्टेनिटी मालूम करने का आसान तरीका मैंने बताया कि आप पॉइंट की जगह पॉइंट लेंगे. देखो पॉइंट और लास्ट की जगह वन लेंगे और पॉइंट और लास्ट के दरमियान एक जीरो है तो इधर एक जीरो लोगे. चाहे जो भी हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, दरमियान में आप जीरो लोगे. तो अनसर्टेनिटी ऑफ 20.00 इज 0.1 रेशो की जगह रेशो. इसकी अनसर्टेनिटी तो वही रूल पॉइंट की जगह पॉइंट. देखो पॉइंट की जगह पॉइंट और आखिरी डिजिट एक ही है जीरो, इसकी जगह वन लोगे. दरमियान में डिजिट नहीं है तो इधर दरमियान में जीरो नहीं होगा तो 0.1. अब इसको सॉल्व करें आपके पास क्या आएगा? देखो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 100 आ गया. लेकिन ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 1 और ऊपर 10 आ जाएगा और 10/100 इज 1/10 एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. ये हुआ जनाब ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4. और पॉइंट नंबर 4 जो है वो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी के बारे में है. फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एरर. इसको रिलेटिव एरर भी कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहने वाला हूं पॉइंट नंबर 4. व्हेन वी डिवाइड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय रीडिंग. अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को रीडिंग पे डिवाइड करें इट बिकम फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी. इसको फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी बोलते हैं. When we divide absolute uncertainty by reading, it become frictional uncertainty. अगर हम absolute uncertainty को reading पे divide करें dear students, तो ये हमारे पास बन जाता है frictional uncertainty. That is frictional uncertainty FU is the ratio. Division है तो ratio. और ऊपर लिख रहा हूं absolute uncertainty और नीचे लिख रहा हूं measured value का हो या reading का. When we divide absolute uncertainty on reading या by reading, the answer obtained is called frictional uncertainty. और frictional uncertainty को relative error भी बोला जाता है. Relative error भी बोला जाता है. अच्छा dear students, ये बात याद रखें note के format में. The unit of absolute uncertainty, the unit of absolute uncertainty is same as that of reading. अगर reading किलोमीटर में है, तो absolute uncertainty का unit भी किलोमीटर होगा. अगर reading सेंटीमीटर में है तो absolute uncertainty का unit भी सेंटीमीटर में होगा. But फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी हैज नो यूनिट. लेकिन फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होगा. अच्छा जनाब, पॉइंट नंबर 4 आप समझ चुके हैं. अगर आप समझ चुके हैं सो व्हाई नॉट वी यूज अनदर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस. हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं आज के लेक्चर में. एमसीक्यू नंबर 3 आपके नाम. क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखना चाहता हूं दैट टू रीडिंग्स 10.0
एंड 20.0 पॉजेस ऑप्शन ए। ये दो रीडिंग्स हैं और इन दोनों रीडिंग्स में क्या बात ठीक है आप बताएंगे। ऑप्शन ए सेम, सिंपल लिखता हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी डिफरेंट। सेकेंड ऑप्शन लिखना चाहता हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिफरेंट एंड फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी सेम। ऑप्शन सी लिखना चाहता हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिफरेंट एंड फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी डिफरेंट। और ऑप्शन डी लिखना चाहता हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम और सेम लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम और फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी भी सेम। इन चारों में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो आपने जो पॉइंट्स पढ़े, अभी हम चार पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, फोर पॉइंट्स हमने पढ़े, आप उनसे सॉल्व कर सकते हो। आप कहो सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट भी रहने दें और आसान कर लें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए वो थ्री स्टेप्स का मेथड के पॉइंट की जगह पॉइंट, लास्ट की जगह वन। और आसान क्लू आपको दे दूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वहां सेम होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वहां सेम होती है व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स, व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डिसिमल आर सेम। डिसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम होती है। अब देखें 20.0 में डिसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है और 10.0 में भी डिसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो डिसिमल के बाद सेम डिजिट्स का या इक्वल डिजिट्स का, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स का होना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम, इसका मतलब कि एब्सोल्यूट तो सेम है, लिहाजा यहां एब्सोल्यूट डिफरेंट ऑप्शन गलत, यहां एब्सोल्यूट डिफरेंट ऑप्शन गलत, या ये ठीक है या ये ठीक है। ये भी याद रखना कि फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करोगे तो पता चलेगा, और फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग या वैल्यू। फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए कि ऊपर दोनों का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आप इसमें क्या है, सेम, लेकिन इधर रीडिंग जो है वो 10.0 है और इधर रीडिंग 20.0 है, तो डिनोमिनेटर में इनका क्या है, फर्क है। नॉमिनेटर बेशक सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में फर्क है, और डिनोमिनेटर में फर्क हो तो भी रेशो का आंसर सेम नहीं आता, लिहाजा फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी भी आप इसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो सेम है लेकिन फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इनकी क्या होगी, इनकी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। पॉइंट नंबर फाइव, मैं पॉइंट नंबर फाइव पे बात करूंगा। वी आर डीलिंग अनसर्टेनिटी एंड पॉइंट नंबर फाइव डियर स्टूडेंट्स ये है जनाब के व्हेन वी मल्टीप्लाई फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी विद 100 इट बिकम परसेंट अनसर्टेनिटी, दैट इज, मैं पूरा नाम लिख लेता हूं, परसेंट अनसर्टेनिटी। दैट इज अगर हम फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी ले लें और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो इससे जो अनसर्टेनिटी या जो वैल्यू बनती है उसका नाम है परसेंट अनसर्टेनिटी। शॉर्टकट लिखना चाहते हो तो परसेंट अनसर्टेनिटी इज पी यू और फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इज एफ यू मल्टीप्लाई बाय 100, द सिंपल इक्वेशन। लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, परसेंट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, अभी भी आपने फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी पढ़ा कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग और 100 अपनी जगह पर, सो इट इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट अनसर्टेनिटी। हद तक आप एब्सोल्यूट की जगह लीस्ट काउंट भी लिख सकते हो क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट में पढ़ा सेकेंड पॉइंट में कि एब्सोल्यूट लीस्ट काउंट के बराबर होता है, तो इधर लीस्ट काउंट भी आप लिख सकते हो। इस पॉइंट से एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अभी हम क्वेश्चन नंबर फोर करने वाले हैं और माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर है
इस लेक्चर का, शायद फोर है शायद थ्री है, आप देखेंगे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर फोर है कि व्हाट इज द परसेंट, व्हाट इज द परसेंट अनसर्टेनिटी इन 10.0 सेंटीमीटर। 10.0 सेंटीमीटर में परसेंट अनसर्टेनिटी क्या होगी, आसान ले लिया, 1%, 2%, 0.1% आर नन ऑफ दीज, नन एहतियात ले रहा हूं मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर वी नाउ दैट परसेंट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओगे। इट्स इक्वल टू रेशो की जगह रेशो, हमें रीडिंग की जगह मिला है 10.0, तो 10.0, 100 अपनी जगह पर। एब्सोल्यूट का तरीका बता चुका हूं आपको कि पॉइंट की जगह पॉइंट और लास्ट की जगह वन, तो 0.1 एब्सोल्यूट होगा, पॉइंट की जगह पॉइंट और लास्ट की जगह वन। 0.1 डिवाइड बाय 10, या 10 वन्स आर 10 एंड 10 हंड्रेड, 10 टेन्स आर 100, और 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज 1%, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट रूल या नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स, लेट मी इंटरटेन पॉइंट नंबर सिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सिक्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप रीडिंग्स को आप इसमें एड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर में अनसर्टेनिटी आप कैसे लिखोगे। फर्ज करें जनाब, अगर मैं कहूं ये है रीडिंग नंबर वन, हमने इसके साथ प्लस किया या माइनस, प्लस माइनस मीन दोनों में एक रूल है, और मैं इसके साथ रीडिंग नंबर टू ऐड करूं, एग्री, इससे डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, हमें इससे एक आंसर मिलेगा, आंसर तो मिलेगा। यानी दो मुख्तलिफ रीडिंग्स, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ रीडिंग के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आने वाले आंसर की अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करोगे। अगर इस आंसर में आपसे अनसर्टेनिटी मांगी गई तो क्या करोगे, तरीका क्या है इसके लिए। जो एक्सपर्ट्स ने रूल सेट किया है, जो रूल बनाया है, वो रूल ये है कि अनसर्टेनिटी यहां जो होगी देट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऑफ ऑल रीडिंग्स। सारी रीडिंग्स की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का सम ले लो, वो इस आंसर में टोटल अनसर्टेनिटी समझी जाएगी। लेकिन याद रख के वो आंसर जो या एडिशन से आया हो और या सब्ट्रैक्शन से आया हो, और इसे कहते हैं रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेता हूं, इसी के सोल्यूशन से आप ये रूल समझ जाओगे। और क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं दैट, ऐसा कर लेता हूं दैट वी हैव अ लेंथ एल वन एंड एल वन इज 10.0 सेंटीमीटर। आप भी सोचते होंगे कि सर 10 और 20 से नहीं हट रही, क्योंकि भाई ना मेरे पास कैलकुलेटर है इस वक्त और ना मेरे पास कैलकुलेटर यूज करने का फिलहाल टाइम है और ना ये मौका है, और अच्छा भी लगेगा कि मैं कैलकुलेटर उठाऊं और यूज करूं नहीं, तो मैं ऐसी वैसी वैल्यू कैसे क्यों ले लूं जिसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूं, मैं 10 और 20 इसलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो और गलती के चांस कम हो। फर्ज करो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पास है पहला लेंथ यहां से यहां तक 10.0 सेंटीमीटर, और एक और लेंथ है यहां से यहां तक, और ये L2 जो है वो है 20.0 सेंटीमीटर। और मैं आपसे कहूं कि ये जो दो लेंथ आप देख रहे हो, इन दोनों लेंथ के सम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन L1 प्लस L2। इन दोनों के एडिशन से जो आंसर आता है उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, ऑप्शन ए 0.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.3 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 0.4 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे कि सर यहां आप अनसर्टेनिटी L1 में मांगते हैं, गौर से देखें,
अगर मैं सिर्फ L1 में मानता, ऑपरेशन ना करता, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन वगैरह ना करता, तो फिर इसका अपना तरीका है पॉइंट की जगह पॉइंट और जीरो की जगह वन। अगर मैं सिर्फ इसकी अनसर्टेनिटी मानता आपसे, तो पॉइंट की जगह पॉइंट और जीरो की जगह वन। लेकिन मैंने एक प्रोसेस के बाद आने वाले आंसर की अनसर्टेनिटी मांगी है, और वो प्रोसेस भी क्या है, इधर साफ मेंशन है एडिशन, यानी इन दोनों के एडिशन से आने वाले आंसर की अनसर्टेनिटी। तो अब मैं आंसर ऑफ एडिशन का रूल अप्लाई करूंगा, इट इज कॉल्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, या आप तब इस्तेमाल करोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल जब आंसर या एडिशन से आया हो या सब्ट्रैक्शन। अब रूल क्या कहता है कि आप ऐसा करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करें, इन दोनों की एब्सोल्यूट मालूम करें, और आप इसमें ऐड करें, वो इस आंसर की अनसर्टेनिटी समझी जाएगी। ठीक है, मैं करूंगा। इसकी अनसर्टेनिटी कितनी है, तो भाई पॉइंट की जगह पॉइंट और लास्ट जीरो की जगह वन, 0.1 सेंटीमीटर। और इसकी भी अनसर्टेनिटी पॉइंट की जगह पॉइंट और लास्ट जीरो की जगह वन, 0.1 सेंटीमीटर। तो इस L1 और इस L2 की अपनी अपनी अनसर्टेनिटी 0.1 है, लेकिन दोनों के एडिशन से जो आंसर आएगा, उस आंसर में जो अनसर्टेनिटी होगी L1 प्लस L2 से जो आंसर आएगा, उस आंसर की अनसर्टेनिटी रूल के मुताबिक इन दोनों अनसर्टेनिटी का एडिशन होगा। तो 0.1 प्लस 0.1 एंड द आंसर इज 0.2 सेंटीमीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अच्छा, ये भी याद रखें, अक्सर बच्चे यहां पर आकर समझते हैं कि सर एडिशन के आंसर में हमने दोनों अनसर्टेनिटीज को एड किया, सब्ट्रैक्शन के आंसर में हम दोनों की अनसर्टेनिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं, चाहे आपने आंसर एडिशन से लाया हो, चाहे आपने आंसर सब्ट्रैक्शन से लाया हो, लेकिन आखिर में आंसर की अनसर्टेनिटी के लिए सारे अनसर्टेनिटीज को आप इसमें एड ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। रूल नंबर 7, लेट मी एंटरटेन रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 क्या है, वो है मल्टीप्लीकेशन रूल और डिविजन रूल। आई एम एक्सप्लेनिंग रूल नंबर 7 फॉर अनसर्टेनिटी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन रूल। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि फर्ज करो एक रीडिंग है, रीडिंग नंबर 1, आपने इसके साथ या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड, देखो दोनों में एक जो भी हो, आपने इसके साथ कोई और वैल्यू, कोई और रीडिंग नंबर 2 मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो इससे भी आपको एक आंसर मिलेगा। कीप इन योर माइंड, दिस आंसर इज नॉट द आंसर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इट इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। तो इस आंसर की अनसर्टेनिटी के लिए रूल बनाया गया है कि दो स्टेप्स करें। You want to find uncertainty, then you have to perform two steps. The first step, find percent uncertainty of all readings. सारे readings की percent uncertainty मालूम करो, percent uncertainty मालूम करोगे, और फिर add them, उनको आपस में add करो, यही इस answer of multiplication या division की uncertainty होगी। Example देने होगा, और example के लिए क्वेश्चन नंबर 6 करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन 10.0 मल्टीप्लाई बाय 20.0, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के आंसर में अनसर्टेनिटी क्या होगी। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 5%, और ऑप्शन डी नॉन। भाई नॉन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी कैलकुलेट करूंगा तो पता चलेगा मैंने कौन सा सॉल्व किया, अभी आपके सामने जहन में आ रहा है, लिख रहा हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं साफ करूंगा, चूंकि यहां मल्टीप्लीकेशन है तो मैं ये मल्टीप्लीकेशन या डिविजन का रूल अप्लाई करूंगा। मैं कहूंगा सोल्यूशन इस तरह करूंगा, सोल्यूशन इसका यह है कि मैं कहूंगा कि रीडिंग नंबर 1 जो है वो 10.0 है, तो इसकी पर्सनल अनसर्टेनिटी मालूम करें, शाबाश। Therefore, percent uncertainty of reading number 1. तो आप कहें सर absolute of reading 1 divided by reading number 1 multiply by 100, percent का formula जाकर चेक करें। So dear student, percent uncertainty of 1 क्या आएगा, रीडिंग कितना है तो 10.0, और पॉइंट की जगह पॉइंट और जीरो की जगह 1, तो 0.1 multiply by 100, इससे आता है 1%। ये आपको पता है, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मेरे सामने आया।
अब रीडिंग नंबर टू जो मैंने आपको दिया है वो क्या है, रीडिंग नंबर टू है डियर स्टूडेंट्स 20.0, तो इसकी परसेंट अनसर्टेनिटी टू जो है वो एब्सोल्यूट ऑफ टू रीडिंग टू मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूला तो वही है सब कुछ टू का परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ टू क्या होगा, रीडिंग नंबर टू क्या है 20.0, इसकी एब्सोल्यूट 0.1, पॉइंट की जगह पॉइंट, लास्ट की जगह 1, आप ट्राई करें प्लीज, और 100 की जगह 100, ये 20 और ये 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, अब ये खुदा जानता है 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्या होता है, मुझे तो नहीं आता, डिवाइड बाय 10 कर ले तो 0.2 आता है, यस 0.2 इट इज 0.2, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 5 डिवाइड 0.5, इससे आता है 0.5%, 0.5%, आप तरीका सीखे प्लीज। अब दोनों को ऐड करें, मैंने एक बात मान ली कि भाई दोनों या सारे रीडिंग की परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करो, मैंने इस रीडिंग की भी परसेंट मालूम कर ली और मैंने इसकी भी परसेंट मालूम कर ली, अब रूल के मुताबिक मैं इन दोनों परसेंट को आपस में ऐड करूंगा, लिहाजा इस आंसर में जो अनसर्टेनिटी होगी कि रीडिंग वन मल्टीप्लाई बाय रीडिंग टू से जो आंसर आएगा उस आंसर की अनसर्टेनिटी इन दोनों परसेंटेज का एडिशन, अनसर्टेनिटी वन प्लस अनसर्टेनिटी टू, सो दैट इज 1 प्लस 0.5, तो 1.5 आता है, लिहाजा द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। आप एक बार इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा, मैंने आपको मेथड सिखा दिया। द नेक्स्ट रूल, दो रूल्स रहते हैं और आपका आज का लेक्चर और आज का टॉपिक खत्म, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। ये है जनाब रूल नंबर 8। अब हम रूल नंबर 8 पे बात करने वाले हैं। रूल नंबर 8 है पावर रूल। पावर रूल का मतलब क्या है भाई, पावर रूल का मतलब यह है कि फर्ज करो ऐसा हुआ कि आपके पास एक रीडिंग है और इस रीडिंग के ऊपर कोई ना कोई पावर आया, तो जाहिर ही बात है रीडिंग के ऊपर पावर आएगा तो भी एक नया आंसर आ जाएगा, तो पावर से आने वाले आंसर की अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करोगे, तो पावर रूल में भी दो स्टेप्स हैं, आसान सी बात है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहला स्टेप कहता है कि फाइंड परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ रीडिंग, जिस रीडिंग का पावर है उस रीडिंग का परसेंट मालूम करें, परसेंट आप मालूम कर सकते हो, और फिर मल्टीप्लाई बाय पावर, बस फिर इसे पावर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पावर से मल्टीप्लाई करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन नंबर, ये इसके पहले क्वेश्चन क्या था 7 था, तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 या शायद 6 था, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 आज के लिए, नंबर से फर्क नहीं पड़ता आप ठीक करें, क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं दैट व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन 10.0 पावर 3, इसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, तो ऑप्शन ए, मैं आपके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं, इट इज 1%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 2%, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, रिएक्शन सॉल्व करते हैं, चूंकि ये क्या है, आप कहें सर ये जो 10.0 नजर आ रहा है ये रीडिंग है और ये 3 इस रीडिंग का पावर है, तो यहां जो आंसर आएगा वो पावर से आएगा, तो हमें पावर रूल से अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, और पावर रूल कहता है कि पहले परसेंट मालूम करो और फिर पावर से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। मैं परसेंट मालूम करूंगा तो मैं कहूंगा कि परसेंट होता है एब्सोल्यूट बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, रीडिंग की जगह मेरे पास अवेलेबल है 10.0 और एब्सोल्यूट में इससे ले सकता हूं पॉइंट की जगह पॉइंट और जीरो की जगह 1 और 100 की जगह 100, अब तो आप समझ गए कि इससे 10 और 10 मल्टीप्लाई 0.1 इज 1%, ये 1% हो जाएगा। अब 1% तो आया, यानी मैंने परसेंट मालूम कर लिया, ये कहता है कि मल्टीप्लाई बाय पावर, तो इस रूल के मुताबिक इस 1% को पावर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन पावर क्या है, पावर तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो एंड द आंसर विल बी 3%, एंड द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर एंड अनसर्टेनिटी, एंड इट इज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, पॉइंट नंबर 9, और पॉइंट नंबर 9 है अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी मालूम करना। अभी ये बुक से हटा दिया गया है, लेकिन खैर फिर भी आप ये रूल पढ़ लें। अभी ये बुक्स में नहीं है, मेरे ख्याल में ऑल बुक्स में था, अब नहीं है। टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी मालूम करने का फार्मूला है कि अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच बहुत आसान है। फर्ज करो ये एक पेंडुलम है और यहां पर एक स्टॉप वॉच है। ये स्टॉप वॉच है भाई, आप टाइम मेजर कर रहे हो इससे। और फर्ज करो इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0. नीचे लिख लेते हैं, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। फर्जी बात कर रहा हूं, 0.1 सेकेंड इसका लीस्ट काउंट है। और अब कोई ऑब्जर्वर आया, उसने इस पेंडुलम को यहां तक खींचा और 1, 2, 3 कहते ही स्टॉपवॉच को ऑन कर दिया और पेंडुलम को रिलीज कर दिया और वो गिन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ही उसने 10 वाइब्रेशन गिने, उसने स्टॉपवॉच ऑन से क्या कर दिया, ऑफ। और फिर टोटल टाइम, यहां पर से टोटल टाइम आएगा और ये टोटल वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, टोटल टाइम को टोटल वाइब्रेशन पे उसने डिवाइड किया तो उसके पास टाइम पीरियड आ गया। अब जो टाइम पीरियड उसके पास आएगा, जो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है टोटल टाइम स्टॉपवॉच से डिवाइड बाय जितने वाइब्रेशंस, इस टाइम पीरियड का जो जवाब आ गया, इस जवाब में अनसर्टेनिटी क्या होगी। अगर इस तरह के टाइम पीरियड के जवाब में आपको अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो तो तरीका यह है। तो इस वक्त अनसर्टेनिटी क्या होगी, इस वक्त अनसर्टेनिटी होगी कि रेशियो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच वो कितना है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। और कितने वाइब्रेशन से उसने टाइम पीरियड तक रसाई हासिल की, डिवाइड बाय 10। जितने अगर उसने 20 वाइब्रेशन यूज करके टाइम पीरियड मालूम किया हो तो डिवाइड बाय 20, 100 वाइब्रेशन से मालूम किया हो तो डिवाइड बाय 100। अब 0.1 डिवाइड बाय 10 इज 0.01 सेकेंड, इट विल बी द अनसर्टेनिटी इन दिस टाइम पीरियड। जो भी चाहे आंसर आता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की कि एरर और अनसर्टेनिटी को आपके लिए बेहतरीन और इजी टच दे दूं और डिटेल पॉइंट दे दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें, मेरे लेक्चर्स आपको नुकसान नहीं देंगे और फायदे का सबब बनेंगे। आप मेरे साथ चलते रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, फीडबैक शो करते रहिएगा, फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस शेयर करते रहें।